हेलो दोस्तों, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वीडियो कि एचआर कंपनी में क्या होता है। एचआर के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एचआर की स्किल क्या होती है, उसका काम क्या होता है, उसका फ्यूचर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो दोस्तों, हम जानते हैं एक एचआर कंपनी में क्या होता है। एचआर कंपनी में एक महत्व के साथ हिस्सा बना हुआ होता है। एचआर एम्प्लॉय को जुड़े रखने का काम करता है, एक मीडिएटर की तरह वो एक काम करता है। एचआर मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशन, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी, पेरोल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब काम करता है। और सबसे मेन पार्ट इंक्रीमेंट, वो एचआर मैनेजर के हाथ से ही होता है। एचआर मैनेजर कंपनी का पूरा रिफ्लेक्शन बन सकता है और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना और उसके लिए केआरए बनाना जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। अब होगा केआरए क्या होता है। केआरए ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो भी ज्वाइन करता है उसके अंदर में क्या क्या रोल्स आने वाले हैं, उसके क्या रोल्स रहेंगे, वो क्या काम करने वाला है, वो सब कुछ केआरए में लिखा हुआ होता है। उसका जो केआरए होता है उसी टाइप से उसको काम करना रहता है जो एचआर मैनेजर एक एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के टाइम पे देता है। तो दोस्तों, एचआर मैनेजर कंपनी में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण काम करता होता है और हर एक डिपार्टमेंट के साथ वो कनेक्टेड होता है। तो हम जानेंगे कि आज एचआर मैनेजर की क्या स्किल होनी चाहिए कि आगे जाके वो इम्प्रूवमेंट ला पाए, या फिर अगर किसी को एचआर मैनेजर बनना है तो अगर ये सारी स्किल है तो वो आगे काम कर सकता है। पहला है रिक्रूट करना, अच्छे बंदे रिक्रूट करना, मतलब कि उनका ये मेन पार्ट होता है एचआर का कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि इंसानों का रिसोर्स, उनको कनेक्ट करना, अच्छी जगह से बंदे चुन के लाना और कंपनी में देना और उनका प्रोडक्टिव काम लेना, ये सारा काम एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होता है और ये एचआर का होता है। हायर द राइट कैंडिडेट, मतलब कि अगर हम अच्छा एम्प्लॉय हायर करते हैं तो कंपनी एक अच्छी तरीके से काम करती है। अच्छा एम्प्लॉय कंपनी को एक अच्छा आउटपुट देता है और आगे जाके वो अच्छा कंपनी को ऊपर ला सकता है। तीसरा है प्रोसेस पेरोल, मतलब कि पेरोल मतलब कि सैलरी प्रोसेस जो भी होती है, पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, अलाउंस वगैरह जो भी रहता है, वो पेरोल करना भी एचआर मैनेजर का एक काम रहता है। अब आता है कि डिसिप्लिन में रहना। एक ऑफिस में अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं तो 100 बंदे डिसिप्लिन में रहे वो ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेना, उसका ध्यान रखना और उनका कहाँ कहाँ लू पॉइंट्स है वो उनको दिखाना, वो एक एचआर मैनेजर का काम रहता है। अपडेट पॉलिसीज, मतलब टाइम टू टाइम पॉलिसीज अपडेट करना। होता है कई बार ऐसा कि कंपनी 10 साल पुरानी होती है तो उसकी पॉलिसीज भी 10 साल पुरानी होती है और वही मेंटालिटी और थिंकिंग के ऊपर ही वही पॉलिसी चलती जाती है, तो ये सही बात नहीं होती है। एक एचआर मैनेजर का काम होता है कि कंपनी को नए नए वर्जन में अपडेट करना, उसको आगे लेके जाना और जनरेशन के हिसाब से कंपनी को एक नया एक रूप देना, वो एचआर मैनेजर का काम रहता है। मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उनका क्या क्या रोल रहता है, मतलब कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, उसकी फैमिली बैकग्राउंड्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका स्कोर कार्ड कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक एम्प्लॉय की रखना और 100 एम्प्लॉय का मेंटेन करना, वो एचआर का काम होता है। कंडक्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि कोई भी बेनिफिट कैसे हो सकता है, जैसे कि कंपनी और एम्प्लॉय 25,000 मांग रहा है, कंपनी 21,000 का एक बजट लेके बैठी है, तो दोनों का एक मिडल वे ढूंढ के एनालिसिस करके एक बेनिफिट निकालना कि जो कंपनी को भी अच्छा हो और एम्प्लॉय को भी अच्छा हो, वो एचआर का काम होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कोई भी बंदा अगर 3 महीने ऊपर काम कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्वार्टर वाइज वो कैसे काम कर रहा है और आगे इन फ्यूचर अगर वो अच्छा काम करता है तो उसका परफॉर्मेंस रेशियो कितना हो चुका है या फिर कितना हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो उसको भी नॉलेज करवाना और अपने मैनेजमेंट को भी दिखाना कि उसका परफॉर्मेंस ऐसे चल रहा है। हाँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो कब किस बंदे को फिल्टर करना है वो मैनेजमेंट आराम से चॉइस कर पाती है। सपोर्टिंग होना और एम्प्लॉय को एंकरेज करना, मतलब कि हर एक एम्प्लॉय आपसे कनेक्टेड होता है, मतलब एज एन एचआर हर एक एम्प्लॉय उसके साथ कनेक्ट होता है,
तो एम्प्लॉय के साथ उसको सपोर्ट करना, उसकी बातें जानना, उसकी प्रॉब्लम जानना, कहीं ना कहीं पे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जो एम्प्लॉय एचआर को बताता है, और एचआर का रोल होता है कि बातें जानना कि एक्चुअल में उनको कहाँ इशू आ रहा है। तो वो एक बात जानना और सपोर्ट करना, उनके साथ कंफर्ट जोन के साथ रहना और उनको अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करना, अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उनको एंकरेज करना, मोटिवेट करना, वो सारा काम एक एचआर मैनेजर के अंडर में आता है। और अगर ये सारी स्किल्स एक बंदे में है तो वो एचआर मैनेजर के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकता है। अब हम जानेंगे कि एचआर की एजुकेशन क्या होती है। एचआर के लिए एक परफेक्ट एजुकेशन डिसाइड की हुई होती है, जैसे कि बैचलर डिग्री, एमबीए इन एचआर। बैचलर डिग्री अगर करते हो तो एचआर का एक कोर्स आता है, 5 साल का होता है, वो करना रहता है। या फिर एमबीए करना है तो बैचलर डिग्री के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो एचआर में। तो आप इस तरीके से एचआर में भी एजुकेशन परफेक्ट कर सकते हो। तो आपको सारी नॉलेज मिलेगी कि एचआर क्या होता है, क्यों होता है, और उनका एक्चुअल में क्या काम रहता है, क्या रोल्स रहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एमबीए एचआर के कोर्स में भी मिल जाएगी। अब हम जानेंगे कि एचआर की सैलरी क्या हो सकती है। एचआर की सैलरी हमेशा उसके काम के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होती है। वो कितना कंपनी को ग्रो कर रहा है और आगे जाके वो कितना ग्रो करेगा, उसकी प्लानिंग क्या है, कंपनी में कैसे स्टाफ हायर हो रहे हैं, कितने स्टाफ उसके सपोर्ट में है और उसके अंडर में काम करते हैं, और कितनी अच्छी तरीके से उसका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके भी एक एचआर बना होता है। क्योंकि एचआर का काम ये रहता है कि हर बंदे से कनेक्ट रहना, उनकी प्रॉब्लम जानना, उनका सल्यूशन देना, सैलरी करना, ये सारे जो मेजर वर्क है वो एक एचआर का वर्क होता है। उसके लिए उसका एक्सपीरियंस, उसका बिहेवियर, उसका टोन, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। एचआर की सैलरी अगर देखने जाते हैं तो अगर वो फ्रेशर है तो 15,000 से स्टार्ट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स अगर वो एचआर डायरेक्टर या फिर एचआर वीपी बनता है तो 2-3 लाख तक पहुंच सकती है, पर अगर एचआर मैनेजर तक है तो उसकी सैलरी 50,000 हो सकती है। अब हम जानेंगे कि फ्यूचर का स्कोप क्या हो सकता है। हाँ, कोई एचआर मैनेजर बन गया, अब उसका फ्यूचर क्या होगा, एचआर मैनेजर के आगे वो क्या हो सकता है। एचआर मैनेजर एक कंपनी का मजबूत हिस्सा है जो कंपनी के सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। पहले इंडिया के बाहर एचआर होते थे, अब इंडिया की हर एक कंपनी में एचआर का महत्व ज़्यादा हो रहा है। फ्यूचर में उसका ज़्यादा स्कोप मिल सकता है, जैसे जैसे कंपनी बनेगी और आगे जाएगी उसके साथ एम्प्लॉय की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। तो हर एक कंपनी एक एचआर मैनेजर को हायर करती है। एचआर मैनेजर ही एक ऐसा बंदा होता है कि जो अपना टाइम इन्वेस्ट करके एम्प्लॉय को लाता है, और उनका जो रिसोर्सेस होता है एम्प्लॉय का, उसका मेंटेन रखता है। अगर उसको एचआर मैनेजर को अगर आगे की पोस्ट चाहिए तो एचआर मैनेजर एचआर डायरेक्टर बन सकता है, एचआर हेड बन सकता है, और एचआर वीपी भी बन सकता है अगर उसमें पोटेंशियल हो तो। और हर एक डेजिग्नेशन के लिए हर एक चीज़ें अलग अलग उनको बाइफर करनी रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना एचआर मैनेजर क्या होता है, उसका काम कैसा होता है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।